हमीरपुर जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित शंभू गांव में दिवाली को लेकर कोई रौनक नहीं देखी जा रही है और सैकड़ों सालों से दीपावली को मनाने से परहेज किया जाता है। हालांकि दिवाली के दिन दीप तो जलाए जाते हैं, लेकिन अगर किसी घर में गलती से भी पटाखे जलाने के साथ साथ घर पर पकवान बनने का काम किया तो फिर गांव में आपदा आएगी या फिर अकाल ही किसी की मृत्यु हो जाएगी। यही नहीं, कई बार गांव के लोगों ने इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए कोशिश की है, लेकिन फिर भी श्राप से मुक्ति नहीं मिल रही है और मजबूरन गांव के लोगों को दिवाली त्योहार मनाने से कोसों दूर ही रहना पड़ता है। यही कारण है कि आज इस गांव में इस श्राप की इतना खौफ है कि दीपावली को गांव के लोग घरों से बाहर भी निकलना मुनासिब नहीं समझते। इसे संयोग कहें या श्राप कि दिवाली के महीने में इस गांव में किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस बार अभी तक इस गांव के 3 लोगों की दिवाली के इसी सप्ताह में मृत्यु हो चुकी है। समूह गांव में सैकड़ों वर्षों से दिवाली का त्योहार नहीं मनाया जाता है। अगर कोई परिवार दिवाली के त्योहार को मनाने की कोशिश करता है तो गांव में कोई न कोई अकाल मृत्यु हो जाती है। ये गांव एक ऐसा श्राप मुक्त गांव है जो पिछले सैकड़ों सालों से इस गांव का पीछा नहीं छोड़ रहा है। दरअसल दिवाली के दिन गांव की ही एक महिला अपने पति के साथ सती हो गई थी। महिला दीपावली का त्योहार मनाने के लिए अपने मायके जाने को निकली थी। उसके पति राजाओं के समय में सैनिक था, लेकिन जैसे ही महिला गांव से कुछ दूर आ गई तो सामने से उसके पति के शव को ग्रामीण ला रहे थे। उसके पति की मृत्यु ड्यूटी के दौरान हो गई थी। महिला गर्भवती भी थी। कहते हैं कि महिला को यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और वह अपने पति के साथ ही सती हो गई। जाते जाते वह सारे गांव को ये श्राप देकर चली गई कि इस गांव के लोग कभी भी दिवाली का त्योहार नहीं मना पाएंगे और उस दिन से आज तक इस गांव में दिवाली नहीं मनाएगी और लोग केवल सती की मूर्ति की पूजा करते हैं। 75 बसंत देख चुके ठाकुर बुद्धि सिंह ने बताया कि सैकड़ों सालों से गांव में दिवाली नहीं मनाई जाती है और दिवाली को मनाने की कोशिश करते हैं तो दिवाली के बाद गांव में किसी न किसी की मौत हो जाती है या फिर आपदा आती है, इसीलिए लोग दिवाली त्योहार को नहीं मनाते हैं। ये जो परंपरा चली आई हमारे परदादा लकड़दादा बड़ी पुरानी बात है, ये हजारों साल पहले की बात है। तो वो एक लड़की हमारी जा रही माँ बाप के घर दिवाली मनाने के लिए। वो दिवाली मनाने के रास्ते में जब उसने आने वाला एक आदमी आया, भाई दिवाली कैसे मनाओगी जब गांव में ऐसे हो गया तो वो दिवाली नहीं मनाओगी। तो उसने बोला कि अच्छा जो मेरा होगा खानदान का तो इस दिवाली को नहीं मनाएगा। तो वो वहां एक गुड़ का मांडी का भट्ठा चढ़ा हुआ था, उसमें गुड़ का रहे थे कढ़ाई में, तो वो उसने सड़ाक लगा दी, मैं सती हो गई उसके पीछे और मेरा होगा कोई तो दिवाली को नहीं मनाएगा। अभी 2 साल पहले दिवाली थी, हमारे एक बार बार है उन्होंने मनाई थी, तो उनका घर में आग लग गई गोल्ड में और हमारा चंदा जा गया छलाटा छली मारा। तो उस दिन से फिर लोगों ने नहीं, तो वो भुचरी नाम एक ऐसा लफ्ज है जो मनाते हैं उनके घरों में भुचरी पड़ जाती है, अंधे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, तो नहीं मनाते। हजारों साल की बात है, हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने हमें बात सुनाई है और ये सती होने के बाद ये सच्ची बात है, झूठी बात नहीं है। तो वो परंपरा मनाने के लिए हमने उसकी एक मूर्ति रखी है, उस मूर्ति को जब फसल आती है हमारे तो हम उसको पहले उसको पकवान पकाते हैं, चढ़ाते हैं पकवान पकाते हैं और कपड़ा ऊपर उसके ऊपर उड़ा देते हैं। तो हमारे बुजुर्ग हमारा गांव तभी बसा है जब उसकी परंपरा हमने मानी है। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया, 100 साल बीत गए लेकिन परंपरा नहीं बदली। दिवाली का त्योहार और सजने सवरने का मलाल भी इस ग्राम के लोगों की जुबान पर साफ छलकता दिखाई दिया। गांव की एक उर्मिला नामक महिला ने बताया कि जब से वो इस गांव में शादी करके आई हैं तब से आज तक गांव में कभी दिवाली मनाते हुए नहीं देखी है। उन्होंने बताया कि गांव के लोग यदि गांव के बाहर भी बस जाएं तब भी सती का सांप उनका पीछा नहीं छोड़ता। उन्होंने बताया कि गांव का एक परिवार गांव के बाहर दूर जाकर बस गया। जब उन्होंने वहां दिवाली के स्थानीय
पकवान बनाने की कोशिश की, तब अचानक ही उनके घर को आग लग गई। उन्होंने बताया कि गांव के लोग सती की पूजा करते हैं तथा इसी के आगे दिया जलाते हैं। जब भी मनाते हैं तो यहाँ डेथ हो जाती है, या आग लगती है, या डेथ होने भी लगती है, तो साथ में दो चार चार पांच पांच आदमी जो है वो इकट्ठे चले जाते हैं। एक जाता है, उसके बाद दो चार दिन के बाद दूसरा चला जाता है, फिर दो चार दिन के बाद तीसरा चला जाएगा, फिर उसके बाद इस दिवाली को हम मनाते ही नहीं है। और कब मनाते हैं, जैसे दिवाली का दूसरा दिन होगा तब हम उसकी पूजा करते हैं देवी की, और उसको हम देवी मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। फिर जो पकवान पकाते हैं उसको चढ़ाते हैं पहले, फिर तब हमने खाना। और उस दिन हमारे कोई मेहमान नहीं आ सकता है, कोई बेटी है वो नहीं आएगी, कोई जवाई है वो नहीं आएगा, कोई और रिश्तेदार नहीं आएगा, उसकी पूजा होगी उस दिन और उसको ही चढ़ावा चढ़ाया जाता है उस दिन। फिर उसके बाद हम खाना पकवान खुद खाते हैं। एक अन्य व्यक्ति रतन चंद ने बताया कि काम को इस श्राप से मुक्त करने के लिए कई बार टूने टोटके से लेकर हवन यज्ञ तक करवाया गया, लेकिन सब कुछ विफल रहा। करीब 3 साल पहले गांव में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन भी किया गया था, लेकिन आज दिन तक इस गांव को इस श्राप से मुक्ति नहीं मिल पाई है। दिवाली तो ये बुजुर्गों के टाइम से चला आ रहा है। कोई पहले कोई फौज में था कोई बंदा, और वो शहीद हो गया था, तो उसका जो सामान आया था तो उसके साथ उसकी जो घरवाली थी वो शहीद उसमें अपना वो कर लिया था, अग्निदाह कर दिया था। तब से उसने श्राप दिया था दिवाली नहीं मनाएंगे, दिवाली का टाइम था, इस कारण वो उस दिन से अभी तक दिवाली नहीं मनाते। मनाते हैं तो कुछ न कुछ कांड हो जाता है। युवा अनूप ने बताया कि जब से वो पैदा हुए हैं उन्होंने कभी भी दिवाली नहीं मनाई। उन्होंने बताया कि इसके पीछे जहां सती का श्राप प्रमुख कारण है, वहीं ये एक परंपरा भी बन गई है, तथा उन्होंने खुद दिवाली के नजदीक गांव में अन होनी होते देखी है। उन्होंने बताया कि दिवाली का त्योहार आते ही गांव में कोई न कोई मृत्यु हो जाती है। उन्होंने बताया कि पता नहीं इस गांव को इस श्राप से कब मुक्ति मिलेगी। हमारे गांव में दिवाली जो है वो काफी टाइम से नहीं मनाई जा रही है, क्योंकि एक श्राप है और हम लोग इस चीज को मानने के लिए बाध्य हैं। देखिए, बात ऐसी है कि मनाने का दिल तो सबका करता है, क्योंकि वार्षिक त्योहार है, सब लोग मनाते हैं, हर कहीं मना रहे हैं, इधर उधर सारे गांवों में मनाते हैं, लेकिन यहां पे बेसिकली क्या है, श्राप का डर बोल सकते हैं उसको, या हम लोगों की परंपराएं बोल सकते हैं कि जिनके कारण हम लोग दिवाली नहीं मना पाते हैं। और अगर कोई कभी मनाने की कोशिश भी करता है, जब से हम लोग मतलब पैदा हुए हैं तब से हम लोगों को याद है कि हम लोगों ने यहां पे कभी दिवाली नहीं मनाई है, और अगर कोई मनाने की कोशिश भी करता है तो इधर उधर आग लग जाती है कभी कहीं पे, कभी कोई अनहोनी घटनाएं हो जाती है, जैसे डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी रिसेंटली बात है, 3 डेथ्स गांव में होगी एक साथ ही, तो यही कारण है कि दिवाली नहीं मनाते हैं यहां पे, कभी भी नहीं मनाते हैं।